बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लर्क कॉर्नर में आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक शॉर्ट फाइल है इलेक्ट्रिसिटी कंटिजेंट बिल के हवाले से। उस हवाले से मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा। आपने वीडियो को स्केप नहीं करना है, पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी डिटेल इसकी समझ आ सके। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसमें हिस्ट्री शीट किस तरह तैयार करनी होती है, क्योंकि हिस्ट्री शीट के साथ आप जो आगे एक फाइल तैयार हो जाती है बजट के हवाले से। जब आप बजट एस्टीमेट बनाते हैं तो उस हवाले से आपको वो फाइल बहुत फ़ायदेमंद साबित करेगी। आप उस हवाले से बहुत ज़्यादा आसानी के साथ बजट एस्टीमेट भी बना सकेंगे। तो चलते हैं आज की फाइल की तरफ। ये एक फाइल है, शॉर्ट फाइल है कंटिजेंट बिल के हवाले से, ठीक है। ये पूरी डिटेल इसकी मैंने दी हुई है शॉर्ट फॉर्मेट में, वीडियो में मैंने इसका लिंक दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप काइंडली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जाते हैं कि ये तो बिल की फाइल है, तो सबसे पहले जाते हैं हिस्ट्री शीट की तरफ। ये हिस्ट्री शीट मैंने बनाई हुई है, ये आप वो फाइल मिल जाएगी डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तरतीब मैंने रखी हुई है, ठीक है। इसमें कुछ कॉलम का मैं बता देता हूँ, ये कुछ तो आपको समझ आ गए होंगे। ये सीरियल नंबर, मंथ, अमाउंट, यूनिट। जब भी आपको बिल रसीव होता है तो आप काइंडली इस तरह के लिए करें कि इस तरह की इंट्री का लिए करें। जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मई का बिल आया है तो मई के अगर मेरे 2 मीटर्स हैं कॉलेज के, तो उस हवाले से मैं ये आपको बता दूँ कि यहाँ पे अमाउंट अलग लिख देता हूँ एक बिल की और दूसरे की अलग लिख देता हूँ, और उसके साथ ही यूनिट भी, क्योंकि जब आप बजट एस्टिमेट बनाते हैं तो वहाँ पर आप यूनिट भी लिखनी पड़ती है बजट एस्टिमेट में। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इस रशीद बना लें। ये रिलेटेड बजट है, क्योंकि कुछ अर्से के बाद अवकात होता है कि बजट मिलता है और जो पुराने बिल होते हैं उनको भी क्लेम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल में ये हमने 21-22 में ये क्लेम किए हैं जो बिल हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल हर कॉलेज का डिफरेंट होगा। ये वैसे मैंने ऐड की हुई है रकमें यहाँ पर, ये देखें ना, बजट रिलेटेड था ये 2018 और 2019 के, ठीक है। लेकिन ये क्लेम किस साल में हुआ है 2021-22 में, ये भी मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। बजट इश्यू कितना हुआ है और एक्सपेंडिचर कितनी हुई है, ठीक है, और ये बैलेंस था। अच्छा, इसमें ये होता है कि रिफंड डेट आपको, जब आप लोन लेते हैं तो रिफंड डेट भी करनी पड़ती है, तो ये रिफंड डेट देख लें, सबकी डेट भी डाली हुई है। ये आपको सब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। और जिस फंड से आपने रकम निकलवाई हुई है वो यहाँ आपने लिखनी है, ठीक है। और आगे ड्रॉन डेट है, जो जिस अमाउंट को आप निकलवाते हैं फंड से, वो ये डेट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे इस कॉलम में। तो ये हिस्ट्री शीट हर मंथ में तो आसानी के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन जब एक साथ काम करना पड़ जाता है तो वह मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आगे मंथ है, अमाउंट है, यूनिट, यहाँ पर अलग अलग मंथ हैं, मार्च और यहाँ मैंने इनको कम्बाइन कर दिया फार्मूले लगा के, ठीक है, यूनिट भी और ये मंथ अमाउंट भी, ठीक है। ये मई तक अपडेट है, तो ये फाइल आपको हेल्प करेगी, आप अपने हिसाब से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 23 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप जब डेट डालेंगे तो जुलाई 23 से स्टार्ट होगा, तो आगे पर मुलक जो हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री शीट है। तो जब ये तैयार हो जाएगी तो इसके साथ बिल जो है ना, वो आप जिस वक्त भी बिल बनाएंगे ना, एक घंटे में भी नहीं बल्कि तकरीबन 20-25 मिनट में आपका बिल बन जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये होता है कि आप उन्हें जो कंटिजेंट बिल जमा कराना होता है वो तकरीबन 1 लाख तक होता है, ठीक है। तो जब बिल बनाएंगे तो आप ये कैलकुलेशन आसानी के साथ ये करेंगे, देखिए यहाँ 93 और नेक्स्ट करता हूँ तो 101, यहाँ पे जो सम आ रहा है यहाँ पे ये देख लें, वो 1 लाख से अबव कर गया है। तो 1 लाख से अबव तो अकाउंट ऑफिस वाले बिल पास नहीं करते, तो इसलिए यहाँ से आप जब ये करेंगे, ये देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ। ये अब सम देखें 97 आ गया, ठीक है। तो ये बिल जब आप बनाएंगे, कंटिजेंट बिल बनाएंगे, तो आपने क्या करना है, सिंपल जस्ट यहाँ से ये वाला ऐसा कॉपी कर लेना, ठीक है, और कंटिजेंट बिल में जाते हैं, ठीक है। ये डिटेल वाउचर है, इसमें बाद में आते हैं जहाँ डिटेल वाउचर है, ठीक है। डिटेल वाउचर में आप ये करना है कि यहाँ पे आकर आपने ये करना है कि इधर इसको ये कापी वैल्यूज के साथ मैं यहाँ आपको यहाँ पे ये देख लें, सेम मैंने यहाँ पे किया तो वही
ये ऑलरेडी पहले ही एंट्री हो चुकी थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोबारा एंट्री की है। तो ये देख लें कि यहाँ पे फिर दोबारा वही सेम सम आ गया, ठीक है। तो जब ये वाउचर मैंने इसलिए बनाया कि इस वाउचर को मैंने दूसरी फाइल के साथ अटैच कर दिया, हाइपरलिंक कर दिया। अब ये डेलीगेशन पावर्स होती हैं जो आप सेंशन करते हैं अमाउंट, ठीक है, आपने कॉलेज का नाम लिख लें, यहाँ पे फॉर्मूले लगी हुई, आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे मैं आपको एक डिलीट करके तरीका बताता हूँ, यहाँ पे आपने किस तरह फाइल को लेके आना है। एक तो ये वाइट वाले जो मैंने किया वो किस तरह किया है, इसको रेंज दी है, कलर में गए हैं तो यहाँ पे वाइट मैंने किया हुआ, ठीक है, ताकि बैकग्राउंड जो है ना वो लाइनें शो ना हो, ऐसे आदमी को ज़रा महसूस होता है कि लाइनें आ रही है। प्रिंट में तो नहीं आती, लेकिन वैसे भी ज़रा मैंने उसको हाइड कर दिया, ठीक है। तो ये डिटेल वाउचर है, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद डेलीगेशन पावर में आए, यहाँ पे मैंने आके पेस्ट स्पेशल जाके ये आप लिख लें लिंक्ड पिक्चर, ये आप नोट करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड येलो क्यों आ रहा है, इसको अपने हिसाब से शक बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये पहला में ये इसलिए कि यहाँ पे जो आपका ये है सामने वाला हिस्सा, ये देख ले रेंज वाले, ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल, इसकी मैंने इस हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया ताकि प्रिंट भी अच्छा, ठीक है। ये इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड जो आ रहा है वो यहाँ पे आप बैकग्राउंड चेंज कर देंगे तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ये वाइट कर देंगे तो यहाँ पे भी वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड वैसे भी इसकी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वाइट है तो हो जा रहा है, वो अब लगे नज़र नहीं आ रही है, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं येलो पे लेके जाता हूँ। अब दूसरी ये शीट आ जाती है बिल नंबर वन की, जो यहाँ पे आप अपने हिसाब से वीडियो कोड, वेंडर नंबर, वाउचर नंबर आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, 1, 2, 3, 4 जो वाउचर है, 1 से 11 है तो यहाँ पे आप वो वाउचर नंबर देंगे, और महीना जिस हिसाब से बना रहे हैं बिल जुलाई से दिसंबर 22 तक, डिटेल वाउचर वो यहाँ पे जुलाई 22 से दिसंबर, ठीक है, वो भी डिटेल यहाँ पे आपने मैंशन कर देंगे। ये येलो कलर इसलिए किया कि ये सिर्फ आपने एंट्रीज करनी है, ठीक है, बाकी कोई एंट्री नहीं करनी है, बाकी फॉर्मूले लगी हुई हैं, ठीक है। अब जो तरीका जो मैं चेंजिंग है वो आप सिर्फ बता रहा हूँ येलो कलर वाली। यहाँ पे बजट आपने लिखना है, प्रेजेंट प्रीवियस एक्सपेंडिचर ऐड कर देनी है, प्रेजेंट बिल आपने ये तो ऑटोमेटिक फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये जो कैलकुलेशन आ रही है ये देख रहे हैं 93,000 ये ऑटोमेटिक ही आ रहा है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो इस हवाले से है, बिल्कुल किस तरह से आपने ये सिस्टम, ये फार्मूला अपने सिस्टम में ऐड करना है, ठीक है। वो पूरी वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने अब देख दी है, तो अब ये देखिए मैं अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ प्रिंटी कर रहा हूँ, आप इसको इंटर करेंगे तो ये, क्योंकि ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने एडजस्ट किया हुआ है इसमें, तो इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। ये भी एंट्री आपको नहीं करनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपकी आसानी के लिए फाइल में डाल दी हैं, ताकि आपको बिल बनाने में तकरीबन इसमें क्या मुश्किल है। अगर आप हिस्ट्री शीट डालें तो ये सिर्फ जस्ट एंट्री करनी है, तो बाकी किसी चीज़ को आप नीचे छाड़ नहीं करनी, ठीक है। और कॉलेज का नाम और ये चीज़ें कुछ एंट्री करनी है, जहाँ पे आपका बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी का है तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ इस तरह कर लीजिएगा, तो फिर जो टेलीफोन का है टेलीफोन के साथ कर लीजिएगा। सिर्फ क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी का बिल बना रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ मिसाल के तौर पर। अब इसका जो फार्मूला है ये यहाँ पे इसको मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ टोटल जो है यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि अब स्टेशनरी का बिल बनाते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। स्टेशनरी का बिल यही समझ लें कि ये स्टेशनरी की अमाउंट है, या दूसरी जो टेलीफोन की है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ स्टेशनरी में या टेलीफोन एंड ट्रंक कॉल जो होता है वहाँ पर डाल देता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं। ये देख लें, ये टेलीफोन एंड ट्रंक कॉल है, ये देखें। इधर मैं आके इसको पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक पे कर देता हूँ, ठीक है। 93 आ गया। अब यहाँ पे जो फार्मूले लगी हुई हैं बराबर सम करके आपने ये करना है कि इनको इसके साथ रेंज दे दी और ये क्लोज कर दी, आपकी अमाउंट जहाँ इस अमाउंट को मैंने इधर कर दिया है, ठीक है। आप भी ऐसा कर लीजिएगा, ये तरीका देख लें आप, ठीक है। तो ये आपकी जो एक्सेल फाइल है, सॉफ्ट फाइल, ये इलेक्ट्रिसिटी की, टेलीफोन की, जिस तरह भी और बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। ये मैंने अब टेलीफोन एंड ट्रंक कॉल को हटा दिया है, ठीक है। इसको अब यहाँ पर लेके आ जाएँ पीछा
और रेंज देनी है तो इसको ये रेंज दे कि यहाँ पे कलर अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें, ठीक है, इसके कलर को ख़त्म कर दें। ये वैसे मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए, ताकि दूसरी फाइल तैयार करनी हो तो वो आपकी आसानी के लिए हो जाए। तो वापस दोबारा मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं, इस सारे रेंज दे के मैं इसको भी सम में आप डाल लेता हूँ, ठीक है। ये देखो सम में अभी की ये एक एक्सेल फाइल है और ये आपको बजट बनाने में भी इस्तेमाल होती है। आप जो बजट बनाते हैं उनको तो पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिटेल देनी होती है वहाँ पे यूनिट भी देने होते हैं, ठीक है, ये वाले यूनिट भी देने होते हैं जब बजट एस्टिमेट बनाते हैं, और उनकी रकम भी देनी पड़ती है तब। और नेक्स्ट जो 3 साल का बजट होता है वो एवरेज के हिसाब से फॉर्मूले लगे होते हैं बजट वाली फाइल में, तो वो ऑटोमेटिक आ जाती है, उसकी कैलकुलेशन आ जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इस फाइल के बारे में मुझे मजीद कोई अपडेट करना चाहता है तो काइंडली मुझे ईमेल भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है, और वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि जो दूसरे दोस्त हैं वो भी इसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।